नमस्कार। स्वागत है आपका। और एक कॉमन क्वेश्चन का मैं आपको आंसर दे देता हूँ, क्योंकि कई लोग फ़ोन करके पूछते हैं, और वो ये रहता है कि जैसे अब चूँकि मेरे ख्याल राउंड टू हर स्टेट का तकरीबन ख़त्म हो चुका है, साउथ इंडिया के कुछ स्टेट्स को छोड़ के रिपोर्टिंग चल रही है इस समय, और उसके बाद हमें पता चलेगा कितनी सीटें बचती हैं। तो क्या कॉमन क्वेश्चन है, एक तो ना लोग फ़ोन करते हैं, सर स्ट्रे मॉपअप में ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मैं कहता हूँ आपको क्या ये पक्का विश्वास है कि स्ट्रे मॉपअप होगा? नहीं सर, हाँ लास्ट ईयर तो हुआ था। मैं कहा पर लास्ट ईयर आपको ये पता है कि मोस्ट ऑफ द जगह पे राउंड तीन ऑनलाइन ऑफलाइन था और इस बार ऑनलाइन है, मतलब सो थिंग्स चेंज एवरी ईयर। लेकिन एक दो साल पहले, चार साल पहले, या खासकर जो फ्रॉडिया होते हैं वो हमेशा आपको लास्ट ईयर एग्जाम्पल देंगे। जैसे बहुत, मैं आज भी सुनता हूँ बहुत तो फ़ोन आ रहे हैं जब से राजस्थान का रिजल्ट आया ना, अरे सर हमें तो बता रखा था राजस्थान में सीट मिल जाएगी पर हमें तो मिली नहीं क्योंकि आप तो नॉन राजस्थानी थे। मतलब आज भी राजस्थान के में लोगों को यही नहीं पता कि इस बार राउंड टू भी सिर्फ राजस्थान वालों के लिए था, क्योंकि लास्ट ईयर राउंड टू ओपन हो गया था। तो इस तरह की बेसिक चीज़ें हैं जो रूल हर साल बदलता है। अब इस साल जो सबसे बड़े रूल बदले हैं, विच इज़ राउंड टू टू थ्री अपग्रेडेशन, तो मैं आपको बता दूँ वो, और वो भी ये नहीं कि सब जगह, तो यही रूल हिमाचल में है, हरियाणा में है, यूपी में है, सॉरी उत्तराखंड में है पर यूपी में नहीं है। सिर्फ इस रूल के डिफरेंस से कितना बड़ा इम्पैक्ट होता है मैं आपको वो समझाता हूँ। और एमसीसी में सबसे बड़ी बात, तो सबसे ज़्यादा पूछ रहे हो सर एमसीसी में मिल जाएगा अमृता, 17 सीटें बची हुई हैं, मेरे 400 नंबर हैं। अब आपने वर्चुअल वैकेंसी का देख लिया, और आई होप कि आप सबको समझ में आ चुका है कि वर्चुअल वैकेंसी क्या होती है, कि लोग ज्वाइन कर चुके हैं और वो अपने अपग्रेड के लिए वहाँ पर उन्होंने ऑप्शन देकर आए हैं। ये जो अपग्रेड की ऑप्शन होती है ये हर जगह अवेलेबल, हर स्टेट काउंसलिंग में अवेलेबल नहीं होती, ये सिर्फ एमसीसी देता है, जो कि आपसे ऑफिशियली पूछता है ना बटन दबा के। तो जब आपने बटन दबा दिया तो वो जो बटन आपने दबा दिया वो ऑनलाइन सिस्टम में आता है, तभी एमसीसी कैप्चर कर पाता है इस शब्द को, जिसे हम वर्चुअल वैकेंसी बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि जब आप रिपोर्ट करने गए थे आपसे पूछा गया ना फ्रीज करना है कि अपग्रेड करना है, तो आपका मन करा आपने अपग्रेड के लिए बोल दिया, तो इस तरह से आप सिस्टम में आप उसमें आ गए हो, फंस गए हो कि भाई फंस नहीं गए हो। तो चूँकि जो जो अपग्रेड बोल चुका है वो सब आएगा वर्चुअल वैकेंसी में। क्लियर वैकेंसी होती है जो कि वाकई किसी ने रिपोर्ट नहीं करा। तो आपने देखा होगा कि कुछ कॉलेज ना भी फ़ोन आ रहे हैं सर JNN में, सर कस्तूरबा में 100 सीटें हैं। मैं कहा भाई 100 सीटें नहीं है, वो वर्चुअल वैकेंसी ये है कि शायद कस्तूरबा वाला इसी चक्कर में है ना कि मेरा थर्ड राउंड में कि ऑल इंडिया कोटा में सरकारी ना जाए, कस्तूरबा वाले उसके पास है। और मैं कहा हर बंदा ना ऐसे आगे बढ़ रहा है, जो फिलहाल JSS से बैठा है वो सोच रहा है कस्तूरबा पहुँच जाऊँ, जो JLN या KS सेकेंडरी में बैठा है वो सोच रहा है मैं JLN पहुँच जाऊँ, तो KS वाला JLN पहुँचना चाहता है, JLN वाला JSS पहुँचना चाहता है, आज नॉर्थ के सारे अमृता पहुँचना चाहते हैं, मुलाना के सारे अमृता पहुँचना चाहते हैं। सो मुलाना को आप हरियाणा में देखोगे क्लियर उसमें वर्चुअल वैकेंसी में, तो मेजोरिटी आपको भी नज़र आएंगे कि भैया अवेलेबल है। वो इसलिए अवेलेबल है कि जिसको राउंड टू में मुलाना मिला है सब सोच रहे हैं सर राउंड थ्री में भर ही देते हैं ना अमृता, हमारा नुकसान तो कुछ है नहीं, और तुक्का लग गया मिल गया तो चले जाएंगे, नहीं तो मुलाना तो है ही। तो ये जो इस साल बहुत मेजर चेंज हुआ है, क्योंकि पिछले दो साल से राउंड टू के एडमिशन के बाद हम काउंसलिंग से बाहर हो जाते थे, तो अब राउंड तीन में नए लोगों को मौका मिलता था, पर अब टू वाले ही थ्री में बढ़ते जा रहे हैं। तो इसलिए मैं हमेशा लोगों को समझाता हूँ कि जो उत्तराखंड में हुआ कि जॉली ग्रांट अगर राउंड वन पे 414 पे था तो राउंड टू में 410 पे ही ख़त्म हो गया, जबकि कहने को 30 से ऊपर सीटें थी, क्योंकि जो श्री गुरु रामराय वाले थे राउंड वन के वो सब जॉलीगढ़ ले गए। तो इस तरह जहाँ पर भी ऐसे अपग्रेडेशन चल रहे हैं, अब हरियाणा में क्या होगा, जो भी फिलहाल SGT से 10 नंबर 5 नंबर नीचे था उन्होंने ज्वाइन तो कर लिया है, पर वो सब SGT की ट्राई मार रहे हैं, जो SGT में ऊपर की तरफ थे जो आदेश से राशि थे वो सब आदेश की ट्राई मार रहे हैं। तो आपके अगर आदेश वाले नंबर होते तो राउंड टू में मिल जाता। तो लोग कहते हैं सर बाकी सब लोग तो फ्री हो गए, तो मेरे 250 नंबर है क्या मुझे आदेश मिल जाएगा, क्योंकि लास्ट ईयर मिल गया था। क्योंकि मैंने कहा भाई लास्ट ईयर राउंड टू टू राउंड थ्री अपग्रेड नहीं था। ये जो रूल आ गया है ना, इसका एक लाइन में समझाऊं तो ये है कि बेस्ट मार्क्स वाले को बेस्ट सीट मिल जाएगी, तो कुछ ना लक पे नहीं छूट गया। तो वरना क्या था कि मेरे 315 हैं, बंदा सोचता था ये आदेश के लिए मैं राउंड टू में वेट करूँ या फिलहाल SGT मिला ले लूँ, अगर आपने SGT नंबर टू भरा था तो बड़ी टफ चॉइस होती थी। हमें भी बहुत फ़ोन आते थे मिशोड़ा से, हमें अच्छे कंसल्टेशन चार्जेस मिलते थे। अब तो बड़ा सिंपल जवाब है भाई, ज्वाइन करके अपडेट डाल दो, राउंड टू में थ्री में मिलना था तो मिल जाएगा, नहीं तो तुम्हारी सेफ हो गई। लास्ट ईयर ऐसा नहीं था, लास्ट ईयर बहुत बड़ा रिस्क था, या तो आप अभी आप सीट छोड़ दोगे और अगले राउंड में आदेश नहीं मिला तो खाली भी रह सकते हो।
ठीक है, यही एमसीसी में हुआ है, यही हिमाचल में है समझ लो, यही उत्तराखंड में है, बट यूपी का अभी भी बिल्कुल रूल डिफरेंट है कि राउंड टू में सीट लेने के बाद छोड़ोगे तो पूरे एक साल की फ़ीस जाएगी जो कि 12-13 लाख रुपए होगी। तो यूपी में इसलिए एडमिशन सीरियस हुए हैं। तो यूपी का एक पर्टिकुलर कॉलेज है जो मुझे पूरी उम्मीद है कि 100 नंबर नीचे गिर जाएगा, लेट्स से तीर्थंकर महावीर, क्योंकि उसकी जो 55 सीटें हैं वो जैन मनल्टी के राउंड 3 में खुलेंगी। फिर लोगों को ये समझ भी नहीं आता सर तीर्थंकर की आएंगी तो फिर शारदा क्यों नहीं आ रही, क्योंकि भाई शारदा में मेनल्टी नहीं था। पहले आपको ये समझना चाहिए कि राउंड, ये दूसरा कॉन्सेप्ट आ गया कि राउंड 3 में सीटें अब आती कैसे हैं, नहीं कुछ डेफिनेटली वही है जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं करा 1 या 2 में, बट जहाँ भी मेनल्टी सीट थी, NRI सीट थी, वो कन्वर्ट होकर नॉर्मल सीट बन जाती है। तो तीर्थंकर महावीर जैन मेनल्टी कॉलेज है, 75 सीटें थी, अभी तक मुश्किल से 18-19 आए थे, 57 सीटें अवेलेबल है जो राउंड 3 में नॉर्मल आ जाएंगी। अब अगर आप स्कैन नहीं कर रहे हो तो एक टिपिकल यूपी का कॉलेज है, सब लोग ध्यान भी नहीं देते, तो 250 नंबर वाले को मेरा मानना है मिलने की उम्मीद है तीर्थंकर महावीर मॉपअप में। ये भी उम्मीद है कि यूपी का मॉपअप ऑफलाइन होगा, तो पहले आपको लखनऊ पहुंचना पड़ेगा, वो बहुत कम लोग पहुंचते हैं, ऑनलाइन आसान होता है सबके लिए करना, और दूसरा मैंने कहा ना वो छुपा हुआ कॉलेज है, सबको पता ही नहीं है, और वहाँ पर वही जा पाएगा जिसके यूपी के राउंड 1-2 में कोई अलॉटमेंट नहीं हुई है, ये भी कंडीशन है। जबकि हरियाणा में सेम, आप 250 नंबर वाले हो, आप अपग्रेड मारे जा रहे हो। सो ये जो अपग्रेड की ऑप्शन है कहीं नहीं है, वो फ़र्क पड़ता है। हरियाणा में NRI सीट है, हिमाचल के मात्र कॉलेज में है, यूपी में है ही नहीं, उत्तराखंड में है ही नहीं। तो जब NRI सीट है ही नहीं तो राउंड 3 में नई सीटें आएंगी कहाँ से, अनलेस एंटिल पुराने अलॉट वाले रिपोर्ट ना करें, वो भी फैक्टर होता है। MCC कई कॉलेजों में देख रहे हो, अमृता में 17 सीटें आ गई क्योंकि उसकी NRI की सीटें खाली थी, राइट। जो अब राउंड 3 में जनरल सीटें बन जाएंगी, प्रॉब्लम यह है कि जो नीचे वाले लोग हैं जो फिलहाल अमृता से ज़रा सा नीचे रह गए थे और अब उनको अमृता के बारे में पता चल चुका है, वो अमृता लेने की कोशिश करेंगे, तो अमृता का तो नीचे गिरने का चांस बहुत ही कम है, क्योंकि कई 450, 60, 70 वाले जिन्होंने फिलहाल JLN या JSS ले लिया था वो अमृता में अपग्रेड मार रहे हैं, ऐसा मेरे हंच है। ये अमृता के साथ क्या हुआ ना, मतलब अगले साल तक तो अमृता इंडिया का टॉप 5 बन ही जाएगा, आफ्टर 2 कस्तूरबास, हमदर्द एंड मे बी मनीपाल जमशेदपुर, तो ऑलरेडी नंबर 8 बन चुका है। तो पहले राउंड में ना फिर भी ये था कि लोग सोचते, कुछ लोग सोचते थे पहला साल है, ये है वो है, फिर लोगों को ना ये लगा कि यार मैं ही बेवकूफ़ था, बाकी सबने तो ले लिया, और राउंड 2 में उसे कटाव को देख के उन लोगों को अपनी बेवकूफ़ी और पछतावा हो रहा है कि अरे यार हमने ही ज़्यादा ही सोच लिया, ये तो राउंड 1 में ही, जब इतने सारे लोग सोच रहे हैं कि ईयर 1 में ही कॉलेज हिट है तो कॉलेज तो हिट है। तो मेरा इसलिए मानना है कि राउंड 3 में यही हो सकता है कि जो बिल्कुल टॉपर बच्चे थे वो सब अमृता आने की कोशिश करेंगे, कि अब उनका कॉन्फिडेंस अमृता पर बढ़ गया है, तो कोई बड़ी बात नहीं 400 नंबर से ऊपर, 90 से भी ऊपर चला जाए, क्योंकि कई जो 510 वाले जिन्होंने शायद JSS लिया था या कस्तूरबा लिया था, नॉर्थ इंडियन है, कहते ठीक है यार जहाँ वहाँ 80-82 खर्च कर रहे थे यहाँ पर 1-5 कर देंगे, लेकिन बच्चा भी घर के पास रहेगा, एसेट्रा एसेट्रा एसेट्रा। तो अमृता को लेकर ना बिल्कुल एक वो हो चुका है कि फिर आपको ये समझना पड़ेगा कि एक नॉर्थ इंडियन फिनोमिनन है, नॉर्थ इंडिया में ना वैसे कॉलेज लिमिटेड है अच्छे, तो बंदा सोच रहा है कि अमृता मिल गया तो मेरी बल्ले बल्ले हो गई, तो उस चक्कर में अमृता में टाइट रहेगा मामला। और उसके अलावा आप, मैं आपको ये समझाना चाह रहा था कि अगर आप 300 नंबर वाले तो अब ये टारगेट करो कि जो नीचे वाले आपको कॉलेज मिल जाएंगे, आपको JLN मिल जाएगा, आपको शायद भारतीय जनता पीठ की ब्रांचेस मिल जाएंगी, और आपने देख ही लिया कि तमिलनाडु पौंडीचेरी खाली पड़ा है, तो वहाँ तो जहाँ मर्जी जाके ले लीजिएगा, ले लीजिएगा, नेगोशिएशन करा के खामखा पूरी उनको MRP मत दीजिएगा। तो ये हो गया अपग्रेड का रूल। बस मैं आपको ये समझाना चाहता था कि ये फिक्स नहीं होता है, किसी स्टेट में है किसी स्टेट में नहीं है, और इसलिए मैंने बोला कि उत्तराखंड की मैं बात करूं क्योंकि नॉर्थ इंडिया का एक और फेमस कॉलेज जॉली ग्रांट है। तो जो राउंड 2 में भी गुरु राम राय वाले बच गए, अगर जॉली ग्रांट की 3 सीटें बच भी जाते राउंड 2 में, तो राउंड 3 में सब जॉली फिर गुरु राम राय वाले अपग्रेड मार देंगे जो आपसे ऊपर थे। हाँ, आप एक 480 वाले थे जो फिलहाल घर में सो रहे थे, आप जॉली ग्रांट लेने आओगे तो क्या पता आपको राउंड 3 में मिल जाए, अगर 2-3 सीटें निकली तो, जो गारंटी नहीं है, क्योंकि फिलहाल तो सारी सीटें एलोकेटेड है ना, तो सब लोगों ने अगर रिपोर्ट कर दिया जो फिलहाल रिपोर्टिंग चल रही है तो हमें सीट कैसे मिलेगी। तो मैं एग्जांपल के लिए समझा रहा हूँ आपको, ठीक है ना। बट हरियाणा की हर कॉलेज में पता है 8, 9, 11, 16 NRI सीटें हैं जो राउंड 3 में खुलेंगी। MCC में काफ़ी जगहों पर NRI सीटें थी जो अब खुलेंगी, थी तो हर जगह डीम्ड में, लेकिन आपको पता ही है कि काफ़ी जगह पर सीटें भरवा दी गई हैं NRI वाले असली या मैनेज पेपर लगवा लगवा के। तो मैं ये बस समझाना चाहता हूँ, ये है मोटी मोटी कहानी कि वर्चुअल वैकेंसी को मत देखिए MCC की, वो सब लोग हैं जो ज्वाइन कर चुके हैं और अपग्रेड के चक्कर में है। तमिलनाडु पौंडीचेरी Day 1 से अवेलेबल था, वो अभी भी आपके लिए अवेलेबल है, आप देख लीजिए, नहीं मिले तो इसी राउंड में भरना शुरू कीजिए, MCC का चल रहा है, अपनी नेगोशिएशन स्टार्ट कीजिए, नहीं तो कोई बड़ी बात नहीं, इस राउंड के बाद भी नेगोशिएशन होंगी,
मुझे नहीं लगता कि उनकी सीटें भरने वाली है इस साल। नॉर्थ इंडियंस के लिए खासकर अब राजस्थान खुलने वाला है, तो राजस्थान में राउंड 3 में आप ले सकते हैं सीटें, अगर आपको 1 करोड़ ही खर्च करना है 1-1.5 तक, और वो आपकी चॉइस है। उत्तराखंड में, यूपी में नरे सीटें नहीं हैं, पर यूपी उत्तराखंड में राउंड 3 में अपग्रेड अलाउड है राउंड 2 से, तो नए बच्चों को सीट मिलने का चांस बहुत ही कम है। यूपी में चूँकि राउंड 1-2 में लेने वाले काउंसलिंग से बाहर हो गए हैं, तो कई बच्चे ऐसे हैं जो फिलहाल यूपी में जिनको अलॉटमेंट नहीं मिली थी उनको तीर्थंकर महावीर में चांस बढ़ जाता है, राइट। तो ये सब एक समराइज में आपको बताना चाहता था कि एमसीसी के राउंड से या सीट मैट्रिक से आप क्या सीखते हो, क्या देखते हो, और वर्चुअल वैकेंसी की फिगर्स को देख के क्या टेंशन है, और क्यों हमें लगता है कि तीर्थंकर महावीर गिर जाएगा 70-80 नंबर से, क्यों उत्तराखंड के कोई भी कॉलेज गिरने की उम्मीद नहीं है, राइट। क्योंकि सब एक एक ना अपग्रेड मार रहे हैं, गौतम बुद्ध वाले गुरु रामराय पहुँचना चाह रहे हैं, गुरु रामराय वाले जौलीगढ़ पहुँचना चाह रहे हैं, ओके। सो बेस्ट विशेस, बेस्ट ऑफ लक। अभी भी आप हमसे सलाह लेना चाहें, हमसे अपनी काउंसलिंग कराना चाहें, अब लास्ट अभी मैं कहता हूँ बहुत सीटें बची हुई हैं, बहुत काउंसलिंग होनी बाकी है कि राउंड 3 में स्ट्रेटजी कैसे बनाएं, कौन सी चीज़ कहाँ भरें, कहाँ ना भरें, कैसे करें, तो फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस ऑन 9643362320, और ये नंबर डिस्क्रिप्शन में भी लिखा होता है। मैं हमेशा कहता हूँ कि हम पहली बात करने के भी चार्जेज लेते ही हैं, वह सबको पता चल ही चुका है। फ़ोन काउंसलिंग के 250 रुपये रहते हैं, फेस टू फेस के 5000, फिर पूरा अगर हम आपकी काउंसलिंग में हेल्प करते हैं तो उसके अलग चार्जेस रहते हैं, ओके। बेस्ट विशेस, बेस्ट ऑफ लक, आपका दिन शुभ हो, और भगवान करे यू गेट द बेस्ट सीट दैट यू डिज़र्व। टेक केयर, बाय बाय।